फर्स्ट टाइम मैं टूर पे निकला हूँ और यकीन करें कि फैमिली की बहुत याद आती है भैया मुझे ना इस वक्त निशा की सुहान की एंड हानिया की बहुत याद आ रही है। मैं उनको यहाँ पे बहुत मिस कर रहा हूँ और पूरी बाकी फैमिली को भी मिस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना अगर आपकी फैमिली पास नहीं है तो काफी बोरियत सी हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। खाना वाना हमने खा लिया है और हम अब भी जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। वहाँ पे हमने लेना है रूम, रूम लेने के बाद वहीं पे रेस्ट करेंगे। क्या प्लानिंग है नेक्स्ट की वो आपको बाद में हम समझाएंगे कि कहाँ पे जाना है हमने। फिलहाल हमारी गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई है, थोड़ी सी ख़राब है, मैकेनिक के पास भी ले जाना पड़ेगा उसको, वो भी दिखाएंगे और बाकी यहाँ से रवाना होते हैं। यहाँ का रेस्टोरेंट काफ़ी प्यारा था, कह सकते हैं आपके रिफ्रेशमेंट यहाँ पे आके होगी। ये रही हमारी गाड़ी। अभी ना मज़े की बात ये है कि हमारी गाड़ी का एसी है ना वो ख़राब हो चुका है। जब हम घर से रवाना हुआ था ना कुछ ही टाइम बाद, यानी कि आप कह सकते हैं कि 300 किलोमीटर करने के बाद ना हमारा एसी जवाब दे गया था गाड़ी का और हम ऐसे ही गर्मी में जाते गए। सोचा हमने ये था कि जब हम पहुँच जाएंगे ना इस्लामाबाद से ही एसी को ठीक करवाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे चले गए थे इस्लामाबाद के लिए और इस्लामाबाद में गाड़ी को ठीक करवाएंगे। सबसे पहले हम वहाँ पे रूम लेंगे, रूम लेने के बाद फिर ले जाएंगे गाड़ी को ठीक करवाएंगे, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट ट्रिप पे जहाँ पे जाना होगा। हमें आराम जाना है, बट अगर जहाँ भी जाना है हम वहाँ पे जाएंगे। सो एसी इस वक्त नहीं है, शीशे देखे हुए हैं, ये खोले हुए हैं। हाँ, ये हमारी अब हो गई है। 5:30 बज रहे हैं और सनसेट का व्यू आप लोगों के सामने है माशाल्लाह से। दिस रोड इज गोइंग टू इस्लामाबाद। मेरी इंग्लिश वैसे ही ख़राब है लेकिन इसमें कोई गलती हो तो उसके लिए पहले ही माजरत। 5 मिनट पहले हम मोटरवे पे चढ़े हैं, वो रोड तो बहुत ही बकवास था। जब यहाँ भी आना तो पता चला कि जाना ही है और ये हमने ये लगा लिया है नेविगेशन वगैरह। 1 घंटा 2 घंटे समझ जाए इसको और यह कि पहाड़ आ रहे हैं। कलर कार की साइड पर आ गई, बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये जी कलर कहार वाले पहाड़ आ चुके हैं जो कि हमें ना बहुत ज़्यादा डर लगता है स्पेशली यहाँ पे मुझे ना, क्योंकि चढ़ाइयाँ बहुत हैं यहाँ पे, बहुत चढ़ाइयाँ हैं ख़तरनाक वाली, काफ़ी गाड़ियाँ हमें क्रॉस भी कर रही हैं। लगता है हमारा ड्राइवर न्यू मुझे लग रहे हैं। नहीं, वो स्पीड का इशू होता है, 40 की स्पीड पे रखते हैं ना हमने। चलान लगता है फिर? हाँ, चलान लगता है। बात क्यों जा रही है? वो काफी भरते हैं। हाँ, हमने भरा हुआ है ना। अच्छा, ये भी इतनी इजाजत नहीं देते। हाँ, बार बार भरते हैं। अभी का इस टाइम हो रहा है 6:15 हो रहे हैं बल्कि, और शाम हो चुकी है, शाम क्या बल्कि रात हो चुकी है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा हमें आगे। सो गाइस, फाइनली हम एक रेस्टोरेंट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है और ये रहा पीछे होटल। यहाँ पे रहेंगे, बड़े सुकून से रहेंगे। दिन भर के बहुत थक गया हूँ मैं और मेरा सामान फुल गाड़ी में पड़ा, अभी ले जाऊँगा थोड़ी देर बाद। लेकिन फिलहाल ना मैं कुछ खाऊँगा, रेस्ट करूँगा, ना बाद में ही आपसे बातें करूँगा बिकॉज मैं काफ़ी थक चुका हूँ। अभी हम सामान लेंगे यहाँ से, जो हमारा सामान है वो पड़ा है जी, डिवाइस पड़ी हुई है, बाकी सब कुछ है ना ये उठा लेंगे हम। ये जी डिवाइस और ये मोबाइल हो गया आपका। हाँ। और बाकी क्या है? बैग पड़ा है मेरा पीछे, वो डिग्गी जरा। हाँ, ये चार्जर मेरे आईफोन का और ये भी। हाँ, ये भी। ओके जी, तो सारा सामान मैंने उठा लिया है और ये सारा सामान उठा के ना रूम में चलते हैं, जो कि हमने रूम लिया है। रूम तो काफी साफ सुथरा लगा है मुझे। रूम साफ नहीं हमारे? हाँ, साफ सुथरा, बेहतरीन, जबरदस्त, बेहतरीन रूम है, जबरदस्त है। और यहाँ पे हम वही रेस्ट करेंगे। हाँ जी, कीमत भी ठीक ही है, प्राइस जबरदस्त मिली है हमें। वो एक्चुअली हमने ना उनको तारफ करवा दिया था तो उन लोगों ने कहा कि ओके ठीक है, तो खोलिए जी, काम हो गया हमारा। सो फाइनली हम रूम में पहुंच चुके हैं और ये है रूम, वहाँ पे हमने बैग रखा है जी और ये हमारा रूम। हाँ। कैसा लगा आज रूम? बहुत जबरदस्त। दो रूम लिए हैं? हाँ, दो रूम लिए हमने, एक ये रूम लिया और एक रूम ये साथ वाला भी। हाँ जी, मैं यहाँ पे सोऊंगा और इनकी फैमिली जो है ये वहाँ पे सोएंगे। सफाई काफी है और रात ही हमने एसी भी चलवा दिया है, ठंड वैसे ही ज्यादा लगनी है लग रहा है क्योंकि ना यहाँ पे ना इस्लामाबाद में बहुत ठंड होती है।
विंडो है। तो खाने का ऑर्डर कर दिया हुआ है और जैसे खाना आता ना खाना खा लेता हूँ। ब्लॉग एडिट करनी है, बहुत सारे बनाए हैं रास्ते में, वो भी करने एडिट, और हम कोई रात जाके 12-1 बजे तक सो जाएंगे। कौन आ गया? दूध नहीं था ना छोटे बच्चों का, सो वही दूध मंगवाया हमने, और जो दूध हम साथ लाए थे ना वो रास्ते में ख़राब हो गया था। सो शुक्र है कि यहाँ से हमें दूध मिल गया है। सो गाइस हमारा खाना आ चुका है और खाने में हमने मंगवाया पुलाव जो कि चिकन पुलाव है, और दो शामी भी डाल दिए इसमें, शामी वाले हैं। चलो यहीं बैठ के खाते हैं, बच्चों ने भी नहीं खाने, खाने ने वो कोई भी ना, भाभी ने भी नहीं खाने, दोनों ने खाने, हमने खाने, हम दोनों ने खाने, बस ये हम बस टेस्ट कर रहे हैं, हम खाना वैसे खा रहे हैं। हां वो तो खा गया, बस ऐसे हमने जरा थोड़ा सा खा लिया, टेस्ट हो जाए बस ठीक है। इसका रिकॉर्ड वगैरह कोई नहीं, मेरी स्ट्रिंग, ये ना इनको बाकी सब ने चाय पी है, दफा रोका है कि आप ये बोतल छोड़ दें, सेहत आप नहीं देखें, स्ट्रिंग अच्छी है ना, नहीं नहीं ये स्ट्रिंग डॉक्टर, स्ट्रिंग अच्छी है, डॉक्टर ने कहा है कि ये पिए। अच्छा तो आप तो चाय पिएंगे ना, बर्तन लेने आप? नहीं नहीं नहीं, क्या आप देख रहे हैं पीटी शर्ट का नंबर भी वो नीचे लिखा, बकाया तो दे दिया ना इसने, बकाया दे दिया इसने, बकाया वो ले लेंगे, बस ये बर्तन लेते हैं छोटे भाई। मैं तो भी स्टिंग पीऊंगा। वीडियो एडिट कर लिया, सारे काम कर लिए हैं, और जब से मैं यहाँ पे लेटा हुआ ना तो ये कसम से बिल्कुल सुकून मिला हुआ है मुझे, और यहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी ठंड मुझे लग रही है, थोड़ी नहीं लग रही, ज़्यादा लग रही है, बाहर बारिश हो रही है, और हमने अभी एसी भी चलाया हुआ था, फ़ौरन बंद किया, पंखा भी ऑफ किया फ़ौरन से भी पहले, क्योंकि ठंड बहुत है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में मैं दूसरी दफ़ा आ रहा हूँ, लेकिन तब जब आया था ना यहाँ पे, मेरे ख्याल से जून का महीना था या जुलाई का था, तब भी ठंड थी, मतलब एसी मुझे रात को फिर भी ऑफ करना पड़ा था। इस्लामाबाद में ना स्पेशली ठंड होती है। पीटी सेल भी यहाँ पे रखा हुआ है ताकि हमें कोई भी चीज़ ज़रूरत पड़े तो हम उनको कॉल करके उनसे मंगवा सके। मैंने ये स्ट्रिंग मंगवाई थी, सो वो आज ये भाई साहब को स्ट्रिंग का रोक 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 के ये फिर वो स्ट्रिंग के, बाकी छोड़ने ये बताएं कि आपको रूम्स कैसे लगे होटल के? सही है ना, मेरा बैग जी वहाँ पे पड़ा है, और साथ में 10 रुपए वाला साबुन भी दिया है इन लोगों ने, देकर बड़ा एहसान किया है। हूर हूर वो ऐसे हूर पर ही बन जाओ गया। और ये टीवी चलता है लेकिन इसका रिमोट नहीं है, वो हमने मांगा तो कहते हैं वो गुम हो गया है, अब ये क्या बात हुई? हाँ 7 वक्त चल रहा है लेकिन ये नहीं चल रहा, टाइम कहाँ पे है भाई साहब की वीडियो रेंडर हो रही है। लगी हुई है। थोड़ी देर पहले ना मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने उनसे कहा कि ये चादरें मंगवाई हैं, लेकिन मुझे लग रही है कि चादरें काफ़ी पतली हैं, फिर भी ठंड लगेगी मुझे, गुजारा करना पड़ेगा ना, डबल डाल लूँगा मैं ये। अभी ना वो भाई आए थे होटल वाले, हमने उनसे वाईफाई का पासवर्ड मांगा, वाईफाई का पासवर्ड तो हमें मिल गया, हम बहुत खुश हुए कि स्पीड मिलेगी, कि हमें वाईफाई का पासवर्ड मिल गया। हाँ। और इस्लामाबाद में तो वैसे भी बहुत स्पीड होनी है, जो हम वीडियो अपलोड करते हैं ना वो कम से कम 1.5 से 2 GB के बीच में होती है, सो वो जब हमने की अपलोडिंग सो व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा उस पर। हाँ मेरी तो 4 GB की वीडियो है, इनकी 4 GB की बन गई और मेरी तो 2 की है, लेकिन उस पर ना भाई उस पर तो व्हाट्सएप नहीं चल रहा, तो वीडियो क्या अपलोड होनी है। सो फिर हमारी ये काम आई जो हमारी है, कहाँ पे है जी? वीवो। हाँ विंगल जिंदाबाद, जबरदस्त। सुबह सुबह का टाइम है, रात में 3 बजे सोया था, सारी वीडियो एडिट करके ना, और भाई मिंटू भाई भी काफी टाइम थकावट शकावट कुछ दूर हो चुकी है, दूर हो चुके, और इस वक्त वो भाई आ गया था होटल वाला, कह रहा था कि नाश्ता आपको चाहिए तो बता दीजिएगा, सो हमने उनको नाश्ते का भी ऑर्डर दे दिया है। यहाँ पे ना काफ़ी देसी नाश्ता था, लस्सी भी थी, चाय, दही भी थी, चाय भी थी, मतलब सारा कुछ, पराठे ऑमलेट वगैरह। सो मैं भी सबसे पहले नहा लेता हूँ, बिकॉज मैंने ये कपड़े जो पहने हैं ना ये 3 दिन से, जब से मैं घर से निकला था जब पहने था, क्योंकि यहाँ वहाँ पर मुझे मौका नहीं मिला, बस ये समझ लें कि तौफीक नहीं दी। और अभी ये है कि सबसे पहले मैं नहा लेता हूँ, फ्रेश हो लेता हूँ, फ्रेश होने के बाद नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद ना हमने अपनी गाड़ी ठीक करवानी है, उसमें थोड़ा सा इशू है, वो है एसी का, वो काम नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत कर रहा है ना, नहीं कर भी नहीं रहा, कर भी नहीं रहा, कर भी नहीं रहा, पहले कर रहा था लेकिन अब कर भी नहीं रहा,
वही करवाना है। गाड़ी ठीक होगी तो ही निकलेंगे आगे, वरना नहीं निकलेंगे तो आप सफ़र उस पर नहीं कर सकते। सो बस ठीक है, मैं सबसे पहले नहा लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। चादरें भी बिखरी पड़ी हैं, ये भी ठीक करनी पड़ेंगी। और ये रहा मेरा बैग, बैग में से मैं अपना ड्रेस निकालता हूँ। कौन सा पहनूँ, कोई पैंट शर्ट भी थी इसमें और वैसा कपड़े भी हैं, अब देखता हूँ कौन से पहनने हैं। सो गाइस खाना आ चुका है और खाने में हमने मंगवाया था ऑमलेट, चने, ये भी ऑमलेट है, ब्रेड और दो गिलास हमने मंगवाए थे लस्सी के। ये आपकी लस्सी खट्टी वाली है, ये मेरी मीठे वाली है। अच्छा, लेकिन आपने पीनी कोई नहीं, मुझे ये पक्का आइडिया। क्यों टेस्ट किया आपने? टेस्ट ये है दही वाली। अच्छा, इसमें वो होती है वो ऊपर नहीं थीरी सी होती है मलाई। नहीं नहीं, मैं पीता हूं। पी लेता। हां जी पीता हूं, थोड़ा देखते हैं। सो गाइस ओके, नहावा के मैं रेडी हो चुका हूँ और 3 दिन से कपड़े नहीं चेंज किए थे, यकीन करें। अब जब बदले ना, मुझे सुकून आ गया, नहा भी लिया हूँ ना, तो सब कुछ परफेक्ट हो गया। और फिलहाल हम जा रहे हैं गाड़ी ठीक करवाने, वहीं पे जाते हैं गाड़ी ठीक करवाते हैं। गाड़ी ठीक करवाने के बाद फिर नेक्स्ट कहाँ चलते हैं वो सब आपसे बाद में शेयर करते हैं। बाकी इन लोगों ने हमें खाना तो दिया, लेकिन वो यहाँ से ना अपना जो उनके बर्तन है वो लेके नहीं गए। मैं उनको जाके कहता हूँ कि अपने बर्तन ले जाएँ। कुछ बर्तन यहाँ पे पड़े हुए हैं और कुछ वहाँ पे टेबल पे हैं, वहाँ पर भी हैं। मैं उनको कहता हूँ कि ये सारा कुछ ना सफाई कर दें, हम जा रहे हैं और हमारे आने तक ना फिर एक दफ़ा सफाई कर दें ये लोग। सो ओके जी, यहाँ पे हमारी हो रही है इस्लामाबाद में सुबह और हम जा रहे हैं गाड़ी ठीक करवाने। और यहाँ का रात ना यहाँ पे बारिश आई थी, ज़्यादा तो नहीं थी, थोड़ी थी, लेकिन यहाँ पे ना बारिश थी और रात को ना काफ़ी ठंड लगी थी हमें। इस्लामाबाद की मॉर्निंग अच्छी है, मज़ा आ गया। यहाँ पे ना धूप बहुत कम है, हमारे यहाँ धूप बहुत होती है, यहाँ पे ना बहुत धूप कम है, अब ये सही एरिया है। सुबह 11 बजे की हम यहाँ पे मैकेनिक के पास आए हुए थे और सारा दिन गाड़ी बनती रही है, सारा दिन बनती रही है और हम भी यहाँ पे यहीं पे बैठे रहे हैं, ना खाना खाया ना कुछ किया। अभी ना काफ़ी ज़्यादा भूख ही लग रही है हमें और गाड़ी भी ऑलमोस्ट ठीक होने वाली है, काफ़ी टाइम तो लगी है, 4 घंटे लगे हैं। तो अब गाड़ी को लेके यहाँ से चलते हैं, अभी गाड़ी की चेकिंग होनी है कि ये जो कंप्रेसर डाला है वो एसी की कूलिंग ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा, सारा कुछ। ये भाई खड़े हैं, इन भाइयों ने हमारी बहुत इज्जत की है और गाड़ी भी ठीक कर रहे हैं। गाड़ी हमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है और यहाँ पे आने तक का जो हमारा सोर्स था, रेफरेंस थी, वो भाई अहमद की तरफ से थी और अहमद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद भाई का घर ना एक्चुअली पिंडी में है, तो वो उनको यहाँ पे जानते थे सब मैकेनिक्स को। सो मेरे दोस्त वही थे, वही जानते थे इस मैकेनिक को, तो अहमद भाई ने फिर हमें इस मैकेनिक का नंबर दिया और यहाँ पे भेजा। और स्पेशल बात की वो खुद यहाँ पे है, गाड़ी देख के गए, तसल्ली करके गए और बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई। इस ब्लॉग को यहीं पे हम ख़त्म कर रहे हैं, गाड़ी ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी है, हम यहाँ से निकलने लगे हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, बोला नहीं जा रहा हम उससे। ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को, आप लोगों से मिलते हैं कल लेकर नए फर्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें गाँव में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।